वाहे गुरु श्री वाहे गुरु तू बेअंत को विरला जाने गुर प्रसाद को शब्द पछाने गुर प्रसाद को शब्द पछाने सेवक की सेवक की अरदास प्यारे जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे तेरे गवन गवन गुण कह कह गावा तू साहिब तुमरी महिमा बरन न सकूं तुमरी महिमा तुमरी महिमा बरन न सकूं तू ठाकुर उठे भगवाना जो सास ग्रास त्याए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन पावे जन नानक तू उड़ मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपै अवरहे नाम जपावे पागां वाले ने जेड़े जप भी रहे ने ते जपा भी रहे साध संगत सचखंड है इस सचखंड बेकुंठ दे अगे होर कोई बेकुंठ नहीं हैगा जेड़े आ पूरी रात रहन सबाई कीर्तन दे विच बैठ के गुजार रहे ने साधुआं महापुरखां दी निगाह विच तपस्वी ने कोई धूणियां तपा के तप करे कोई जल धारे करे जिवें मर्जी कोई तप तपस्या साधना साधे ये सब तो उत्तम है जेड़ा संगत विच बैठना ये सहज समाध है ये समाधियां ने ये सहज समाधियां ने ते पुन्ना नाल संत जना का संग पाइए बड़े पुन्न महापुरख कहिंदे सी जदों पुन्ना दा सूरज शिखर ते आ जावे ना कि पुन्न बहुत हो जाण उस समय फिर साधु दी संगत मिलती है आ जड़ा तुसी संगत दा आनंद माण रहे जी ये वड्डे पुन्ना वाले जेड़े संगत विच बैठ के गुरु
गुरमुख प्यारे जुड़ी हुई रूह भाई गुर इकबाल सिंह जी कीर्तन कर रहे सी। आप जुड़े ने संगतां नूं जोड़ रहे हैं। भाई अमनदीप सिंह जी का उपराला है, इन्होंने इस बार ये समागम फरीदाबाद विच रखिया है। इन्हां दे प्यार दे सदका दास भी हाजरी भर रहे ने। ये वड्डे पुण वड्डी कृपा, जिस जगह आपां बैठ के गुण गा रहे हैं इस दे अगे कोई होर सुख नहीं हैगा। कि सौण दा सुख होवे, पदार्थां दा सुख होवे, भोगां दा सुख होवे, ये वो सब सुख नहीं गे। सुख है साधु दी संगत, साध संगत। सुख गुरु दे चरणा विच, ये सुख माण रहे हैं। गुरु चरणा विच बैठे आनंद माण रहे, सुख लै रहे। जिन्हां दे बड़ियां कृपा हुईयां ने वह सारे बह के आनंद लै रहे ने। आओ सारे कुछ समा आपां जुड़ के दरगाह च हाजरी लाउणी है, गुरु नानक साहब दे चरणा विच हाजरी लाउणी है। ये प्रभु नूं आराधन दा समा है। पूर्ण महापुरख इस वेले एक मिक हो जांदे आ। आखो सी वाहिगुरु जी, आ समा जिहड़ा है ना, नाम जपण वालियां दा ते परमात्मा दा एक मिक होण दा है। तोही मोही, मोही तोही, अंतर कैसा। एडे एक मिक हो गए, इन्ने एक मिक हो गए। अब तो जाए चढ़े हैं सिंहासन, मिले सारंग पाणी, राम कबीरा एक पए है। ये समा ओ है जिस समय रब दे प्यारे अपने प्रीतम दे नाल एक मिक हो जांदे आ। ते आपां भी जुड़ के इत्थे गुरु नानक साहिब दे प्रताप दे सदका बाबा आनंद सिंह जी नाल एक संत फौजी सन, राजा संसी दे संत जवान सिंह, पहले फौज नौकरी करदे सी, फिर तपस्या करन लग पे। तप जंगल दे विच दो साधु इकट्ठे हो गए, एक बाबा आनंद सिंह जी, दूसरे संत जवान सिंह जी। दोनों ने तपस्या की गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी, छोटा जिहा शहीदां दा गुरद्वारा जिंदे विच गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप अलंबारी च विराजमान किया जाता है, पीड़े ते प्रकाश किया जाता है। उत्थे बाबा आनंद सिंह जी, संत जवान सिंह जी भगती करते हैं। बाबा आनंद सिंह की जिहड़ी भगती सी कि गुरु ग्रंथ साहिब नूं आराम भी देना, प्रकाश भी करना, भोग भी लवाउणा, ये सारी बाबा आनंद सिंह जी की मर्यादा सी। पहले लंगर का भोग गुरु ग्रंथ साहिब नूं लवाउंदे सी, वह भी जंगल दे विच्चों लकड़ां कट्ठियां करके बाजार विच वेच के लकड़ियां दा जो मिलना सीधा आटा दाल उनका लंगर तैयार करना, तैयार करके भोग लवा के छकना। दोनों का प्रण हो गया महापुरखों का भी गुरु नानक साहब छकण, प्रतख हो के छकण, फिर भोग लगे का आनंद है। इवें तो आप रखते हैं तो चक के ले जाने, मन बना ले भारमना सिरड़, सत दिन इवें करते रहे। भुखे भाणे गुरु नानक साहब प्रगटना होए,
शरीर की जान खत्म हो गई। सत्तां दिनां बाद गुरु नानक साहब ने प्रगट होके प्रसाद छकिया। संत जवंत सिंह जी ने कहा बचन दिता कि वर मंगो। उन्होंने मंगिया कि जदों असी कीर्तन करिए सामने तुहाडे दर्शन होण। बाबा आनंद सिंह जी ने कहा वर मंगो। बाबा जी कहते मैनू मंगना नहीं आता गरीब नवाज। कोई इच्छा रह ही नहीं गई आप जी के दर्शनों की भुख सी हो गया होर कोई मंग। गुरु नानक साहब कहते साडा जदों असी प्रगट होने जरूर असी दात देने मंगो। बाबा जी कह लगे मंगना नहीं आता। अखीर ते बाबा जी कह लगे गुरु नानक साहब मैनू अपना गोला बना लो। अपना बना लो गोला धन गुरु नानक जी। गुरु नानक साहब कह लगे तुसी कहिंदे मंगना नहीं आउंदा पर सब कुछ मंग लिया। जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। आप सवारी मैं मिले मैं मिलिया सुख होए। फरीदा जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। आप सवारे मैं मिलिया सुख होए। फरीदा जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। पढ़ो आप सवारे मैं मिले मैं मिलिया सुख होए। जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। आप सवारे मैं मिले मैं मिलिया सुख होए। जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। आप सवारे आवे।